पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्स क्रिकेटर्स, सरकार ये दुनिया की क्रिकेट में चलने वाले मोटे मोटे वर्ड सीख लेते हैं, पॉजिटिव इंटेंट, अटैकिंग क्रिकेट, ये उसी की जिसे कहते हैं ना तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते हैं। और बंदा पूछे ये ना वही वो भेड़ चाल नहीं होती? मतलब एक ज़माना था पाकिस्तान में हर बच्चा कंप्यूटर साइंसेज में बैचलर्स कर रहा था, क्योंकि एक ने शुरू किया वो कामयाब हुआ, लोगों ने उसके पीछे दौड़ लगा दी। अब हमारे क्रिकेटर्स, इफ्तिखार अहमद, इफ्तिखार चाचा कहते हैं भाईजान कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, इन माई ओपिनियन उनका जी माइंड सेट प्लेइंग अटैकिंग क्रिकेट का होता है, यानी कि वो तेज़ अटैक करते हैं आपके ऊपर, आपको डोमिनेट कर जाते हैं विद द बैट और विद द बॉल, ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीड्स टू अडॉप्ट सच अटैकिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, इफ्तिखार चाचा ने कह दिया अब अटैकिंग माइंडसेट करना, तो ऐसा करो अपने अपने वो जिसे कहते हैं कोई रखा हुआ कोई गोला बारूद तो निकाल लो यार, अब अटैकिंग क्रिकेट करनी है। और आपने क्या क्या हमला कर दें, क्या अटैकिंग क्रिकेट करनी है सर? और मैंने करनी है, हैं? वो एक ना जंगल में ना बांदरों का ना एक खानदान रहता था, ठीक है, मंकीज, बंदर, उसी के साथ करके थोड़ा सा आगे इंसानों की एक बस्ती थी। तो ये बंदर जो थे ना, ये शाम को वॉक करने ज़रा देखाते थे इंसान क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि इंसानों के बीच में एक इंसान बीमार हुआ है, दो बंदे गए हैं, वो एक तीसरे बंदे को कहीं से लेकर आए हैं। उस बंदे ने आकर जनाब ये जो बीमार बंदा था इसके साथ कोई झपट के टीटा किया, कुछ भी किया, उसको कुछ दिया खाने पीने को, वो ठीक हो गया। ठीक, तो बंदरों ने अपना जो था ना जिसे कहते हैं वो बूढ़ा बंदर अकलमंद टाइप का सियाणा, उसे कहा चाचा ये कौन बंदा था? उसने कहा इसको ना इंसान कहते हैं डॉक्टर, ये बीमार सेट कर देता है। बंदरों के खानदान ने फैसला किया कि भैंस की आंख, हमारे दरमियान तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, हमें भी एक डॉक्टर चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इधर उधर देखा, वो जो एक टेढ़ा सा था उनका, उन्होंने कहा चल पुत्र तू वैसे तो कोई काम करता कोई नहीं, ठीक है, केले भी हमें ही तोड़ के लाने पड़ते हैं, तू तो मुफ्त में बैठ के खाता है, तू डॉक्टर बनेगा। उसने कहा अच्छा जी ठीक है। उसको भेज दिया कहीं डॉक्टर शॉक्टर बनने के लिए। वो जब वापस आया तो एक दिन जनाब बूढ़ा बंदर एक बीमार हो गया, तो उन्होंने इसको छोटे को कहा तू डॉक्टर बन गया ना? उसने कहा यस। उसने कहा फिर करो इसका इलाज वो जिस तरह इंसान करते हैं। ये जो छोटे वाला बंदर था ना, इसने एक दरख्त पकड़ा, चढ़ गया तेज़ी से, उससे छलांग मारी दूसरे दरख्त पे, दूसरे से मारी तीसरे पे, तीसरे से फिर चौथे पे, चौथे से पहले पे, कोई 5-7 दरख्तों के ऊपर ना वो छलांगे मारता रहा कोई आधा पौना घंटा, ठीक है। पीछे वो जो बूढ़ा बंदर था ना वो लुढ़क गया, वो खानदान पूरे ने छोटे वाले बंदर को पकड़ लिया, डॉक्टर बंदर को। उसने कहा उतारो इसको नीचे, उन्होंने मारना शुरू किया। उसने कहा हमने तुझे डॉक्टर बनाया था अन्नी के, कि तू हमारे बंदे बचा लिया करेगा, बंदर जो बीमार शमार हो जाए, ये क्या था? तो वो आगे से ना छोटे वाला बंदर उसको ना दांत निकाल कर कहता है सॉरी मैंने बहुत भाग दौड़ की, बड़ी मैंने जिसे कहते हैं ना नस पज पंजाबी में, वो कहते हैं मैंने बड़ी नस पज की, आई एम सॉरी मैं आपका बंदा नहीं बचा सका। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, यहाँ पर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग माइंड सेट होना चाहिए। तो सरकार उसका कोई टीका नहीं मिलता किसी डिस्पेंसरी में कि हम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अपने पल्ले से खरीद कर आप सबको लगवा दें, एक नहीं दो दो लगवा दें, कहीं से अगर मिलता है तो बता दो यार हम आपको लगवा देते हैं। अटैकिंग माइंडसेट होना चाहिए, अटैकिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। सरकार आपका हाल यह कि आपसे वर्ल्ड T20 में फुल टॉसेस नहीं कनेक्ट हो रही थी, बढ़ गया आप किस नंबर पर गए हैं, बढ़ गया सारा कुछ कि आपका क्या चल रहा है क्या नहीं। मुझे एक बात बताएं, दुनिया में कौन सा ऐसा, अब तो बॉलर फुल टॉस नहीं छोड़ते दुनिया के, आप तो सरकार वो जिसे कहते हैं फुल टॉसेस मिस करके बैठे हुए थे, आपने क्या मतलब अटैकिंग माइंडसेट और इससे क्या ज़्यादा होता है यार, मुझे नहीं समझ आती। मैं मतलब मेरा तो दिमाग माउफ हो जाता है यार, ये किस किस्म के आकर बयान ठोक देते हैं, अटैकिंग माइंडसेट, अटैकिंग दिस, क्या अटैक करना है सर? आपने हमारी क्रिकेट टीम को यकीन करो बारात में नाचने वाले खुसरे बना दिए है। ये बस ठीक है, आएंगे एंटरटेनमेंट करेंगे, उसमें से कोई खुसरा ठोडा खा के नीचे गिर गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंटरटेनमेंट ही है ना, नोट भी निछावर नहीं होते, अगले छिल्लड़ निकाल निकाल के मुंह पर मारते हैं, अजीब बातें करते हैं यार, वही इंटेंट नहीं है, पॉजिटिव इंटेंट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अपनी क्रिकेट की हालत देखें, आप सबके लगे हुए हैं वजीफे, आपको तो जिसे कहते हैं ये वजीफे खाने की आदत पड़ी हुई है, ना कोई परफॉर्मेंस है ढंग की ना कुछ, जब बात करो मेरा नंबर ही नहीं ठीक। सरकार आप नंबर कौन सा, आपके घर के टेलीफोन नंबर की बात कर रहे हैं, अपने मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, क्या नंबर नहीं ठीक?
जिस भी नंबर पर जाएं कुछ तो दिखाए ना कि बंदा कहे कि यार ठीक है ये कुछ इसने एटलीस्ट कोशिश की है। आपकी तो वो कोशिश ही नहीं नजर आती, बैटिंग विकेटों पे आप कुछ नहीं कर सके, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप में आपने क्या कर दिया, उसके अलावा आपको जहाँ कहीं खिलाओ आपका सर कोई बंद तो रहा कोई नहीं सीन पार्ट, आप बस अटैकिंग माइंडसेट फलाना तो टिमकाना। मैंने बताया ना ये बांदर वाला हिसाब है, उन्होंने डॉक्टर इंसान का बच्चा डॉक्टर बनते हुए देखा, उन्होंने अपना बनाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ भैया। डिफरेंस है, वहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें, वो कैसे अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं वो देखें, कोई वहाँ से कुछ सीखें। वो जब अपनी टीम में लेके आते हैं ये जो आप अटैकिंग माइंडसेट कह रहे हैं, तो उनके अटैकिंग माइंडसेट के साथ अगला परफॉर्म भी करता है, बातें नहीं करता। बैट डकेट ने इंडिया में आकर स्टेटमेंट दी थी ये बैस बॉल स्ट्रेटजी से रिलेटेड और फलाना थे टिमकाना, अगलों ने सूद कर रख दिया था, अगलों ने कहा कि भैया ये जो बातें हैं ना ये बाहर किया करो, यहाँ पर आए हो ना तो यहाँ पर करके दिखाओ। हालांकि बैट डकेट को जिसे कहते हैं माड़ा ओपनर तो नहीं है, लेकिन वहाँ अब दुनिया की क्रिकेट पर मैच के हिसाब से चलती है। आप पता नहीं वो 1983 की अपनी जो यादगारें हैं उन्हीं को लेकर खड़े हैं अभी तक कि फलाने वक्तों में एक सेंचुरी कर ली थी या फलाने वक्तों में एक 50 मार दी थी, उसी के आश्रय आप अपनी सारी क्रिकेट चला रहे होते हैं। तो फिर इस तरह नहीं होता, ठीक है ना। अटैकिंग माइंडसेट होना चाहिए, अटैकिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। ये पता नहीं यार ये क्या है इनको, वो भैया सीधे बल्ले से तो पहले खेल लो, ठीक है पहले सीधे बल्ले से खेल लो, फुल टॉसेस कनेक्ट करनी सीखो, आपको पता चले कि क्रिकेट क्या होती है, कोई मैनूवरिंग कुछ थोड़ी सी सीख लो, इम्प्रोवाइजेशन कुछ थोड़ी सी सीख लो, उसके बाद ये सारी बातें करें तो आप ज़रा कुछ मतलब ना कोई इज्जत नफ्स रह जाएगी कि यार बात करने जोगे हैं कि चलो कोई बात की है, कुछ समझ पल्ले पड़ती है। अटैकिंग माइंड सेट, बंदा भैंस का वो जो मज्जों को इंजेक्शन नहीं लगता, यकीन करें वो क्लोरोफॉर्म का कोई इंजेक्शन मिले ना बंदा इस टीम को लगा कर ना इनको तो सुला दे और इनकी जगह पर कोई 11 नए लड़के खिला दे, कसमें इनकी जगह 11 नए खिला दो भाई वो शायद कुछ कर जाएं। ये बाबे नहीं अब कुछ कर सकते, और बुढ़े तोते भी कभी सीखते हैं। चलो यार बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।